नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। तो आप सभी का चैनल के ऊपर स्वागत है। तो प्लीज़ आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आप सभी का चैनल के ऊपर स्वागत है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और ज़रूर कीजिए, और बेल प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो हम कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर एक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, 19, 23, 26, 30 और 33। इसके बाद हमें ये फिलअप निकालना है। ऑप्शन नंबर रख लेते हैं इसके अंदर हम, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 31 और 35, 37 और 39 ये रख लेते हैं हम इसके अंदर। इसके अंदर हम अब क्या करते हैं, देखो यहाँ प्लस होता है, यहाँ जैसे प्लस कितना है इसके अंदर, कितना प्लस करता है इसके अंदर, +4। यहाँ कितना करता है, +3। यहाँ कितना करता है, कितना करेगा, 19, सॉरी भाई, यहाँ कितना करता है, 3, और यहाँ फिर 4। यहाँ कितना करता है, 3, और यहाँ कितना करता है, 4, और यहाँ कितना करता है, 3, और यहाँ कितना करेगा, 4। तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर रखने में तो गलती नहीं भाई, यह हमारे पास 37, सॉरी 37। तो ऑप्शन नंबर यह हमारे पास 37 आएगा। तो प्लीज़ कैसा लगा आपको क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं, लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हम आपके पास कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन ला रहे हैं जो परीक्षाओं में प्रीवियस पेपर के अंदर जो आपसे पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम आज आपको करा रहे हैं। तो चलो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो प्लीज़ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1, 3 और 7, 13 और 21, और उसके बाद है ये ऑप्शन नंबर 1, 2 रख लेते हैं, और 3, और ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ रख लेते हैं 27, 29 और 31 और 33। अब देखो इसके अंदर यहाँ कितने प्लस करता है, +2 करता है। यहाँ कितने करता है, +4 करता है। यहाँ प्लस कितने करता है, 6 करता है। और यहाँ प्लस कितने करता है, 8 करता है। और यहाँ प्लस कितने करेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, और यहाँ कितने करेगा, +10 करेगा। तो 21 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 31। 21 और 10, 31। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 31 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, हमारे पास थोड़ा डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं है, अगर आप लोगों का सहयोग हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर ज़्यादा कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कराइए अपने फ्रेंड से कह के, या आप भी खुद कीजिए, तो ताकि हम डिजिटल बोर्ड आप लोगों के सहयोग से के लिए खरीद सकें, और आपको हम अच्छी अच्छी वीडियो आप तक प्रोवाइड करा सकें, या आप तक हम दे सकें। तो चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, तो वीडियो पर बने रहना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3, 35 और सॉरी भाई 15 और 35, और उसके बाद है 63, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन नंबर 1, 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 हम रख लेते हैं इसके अंदर। 77, 84, 99 और 98 रखते हैं हम इसके अंदर, ये हमारे ऑप्शन है। तो चलो हम देखते हैं इसको भाई, यहाँ हमारे पास कितना है, 12 का डिफरेंस है। यहाँ हमारे पास कितना है, 20 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का हम देखते हैं डिफरेंस इसके अंदर है। तो यहाँ हमारे पास कितना है,
12 किया इसने, यहाँ हमारे पास प्लस कितना किया, प्लस 20, 20 और उसके बाद यहाँ कितना प्लस किया इसने, 13 में से 8 और 2 28, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है इसके अंदर, 12 8 20, 20 8 28 और 28, तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 36, कितना आएगा 36। तो यहाँ तो ये गलत हो जाता है भाई, भाई इसके अंदर तो ये तो गलत बैठ रहा है, तो इसके हिसाब से मान लो इसके अंदर गलत भी हो सकता है ये 63, तो यहाँ हम कितना रखेंगे 63, सॉरी भाई सॉरी सॉरी, ये जुड़ जाएगा भाई 63 9 और 63 9, तो 99 आएगा हमारे पास। 99 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 99 हमारा ये। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा भाई, 3 था, 3 के बाद 15 35 63 और 99 था, तो यहाँ कितना डिफरेंस 12 और यहाँ कितना 20 और यहाँ 28 और यहाँ 36, तो यहाँ 12 12 8 20, 8 का डिफरेंस हो चुका है इसके अंदर, इसके अंदर भी कितना 8 का, तो 12 8 20 20 8 28 28 8 36 36 8 44, अगर आगे संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद है हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो वीडियो पर बने रहना, कहीं भी मत जाना भाई, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं, और हमें अपना एग्जाम को क्रैक करना है। क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 12 21 23 32 और 34, ऑप्शन रख लेते हैं इसके अंदर, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, ऑप्शन रखेंगे इसके अंदर हम 43 और 41 और 25 और 35, इसके अंदर रख लेते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ बढ़ती है हमारी संख्या, बढ़ती है, कल बताया था भाई हमने, अगर संख्या बढ़ती है तो हमारे पास संख्या प्लस के अंदर आएगी, अगर घटती है तो हमारे पास संख्या हम उसके अंदर माइनस के अंदर, हम वो संख्या माइनस के अंदर करेंगे। तो चलो हम करते हैं इसको सॉल्व, तो आप भी बता सकते हैं भाई कॉमेंट वगैरह करके। तो इसके अंदर 12 9 21 और यहाँ कितना आएगा, 12 9 कितने हो जाएंगे 21, 12 9 21, यहाँ कितना आएगा प्लस, प्लस 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 23 9 32, यहाँ कितना आएगा 34, प्लस का 2 है और यहाँ भी प्लस 2। तो अब किसकी बारी है, अब जैसे हमारे पास पहले 9 था, फिर 2 था, फिर 9 था, फिर 2 था, तो अब 9 आएगा, तो अब इसके अंदर कितने आएंगे 43, कितना आएगा हमारे पास 43 43, देखते हो चलो हम किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हमारे पास 43 हमारा आंसर है। तो हम ऐसे इनको देख सकते हैं, तो जैसे हमारे पास पहले 9 अगर हम प्लस करते हैं तो इसके अंदर 21 आता है, 21 के अंदर 2 जोड़ते हैं तो 23, 23 के अंदर 9 32, 32 और 2 34, 34 और 9 43 हमारे पास, 43 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, तो प्लीज़ कहीं पर मत जाना और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे भाई, जब तक हम देखेंगे तब तक हम सीखेंगे ज़रूर। इसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 10 22 46, और यहाँ हमारे पास संख्या निकालनी है हमें, और उसके बाद है 190 है, ऑप्शन रख लेते हैं इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 रख लेते हैं इसके अंदर, ऑप्शन कितना आएगा हमारे पास, ऑप्शन है 56 16 76 और 94। अब देखते हैं हम यहाँ कितना ऐड करता है ये, तो चलो हम इसके अंदर कितने प्लस करता है ये, 6 प्लस करता है, यहाँ कितने करेगा प्लस, 12 प्लस करेगा, यहाँ कितने प्लस करेगा 2 बचेगा इसके अंदर, 6 में से 2 4 बचता है, और यहाँ 24, यहाँ कितने प्लस करेगा ये, तो जैसे हमारे पास 6 दुनी 12 और 12 दुनी 24, तो 24 दुनी कितने करेगा प्लस, 48 48, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 8 6 14 8 और से 14, 4 4 8 1 9 94 आएगा, तो 94 हम चलो हम दोस्तों किसके अंदर है, 94 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो जैसे हमने क्या किया था भाई, पहले 6 करता है, 6 के 12 12 का 2 24 24 का 48 48 दुनी 48, इसके अंदर हम 46 के अंदर ऐड करते हैं तो 94 हमारे पास आता है। अब 94
जो 98 दोनों कितना हो जाएगा, इसके अंदर 96 ऐड करते हैं तो 190 संख्या हमारे ये आ जाएगी। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई। ऐसे अगर देखते हैं तो कुछ फ़र्ज़ बनता है आपका ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, आपको हर प्रतिदिन मतलब एक रीजनिंग की वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 7, 18, 36 और यह हमारे पास संख्या निकालेंगे हम इसके अंदर, और 93, 132। ऑप्शन नंबर रख लेते हैं ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 इसके अंदर हम रख लेते हैं। 92 और 83, 56 और 61। अब इसके अंदर हम देखते हैं कितना ऐड करता है। अब जैसे हमारे पास 7, 18, 36 और यहाँ हमें संख्या निकालनी है 93 और कितना है 132। ऑप्शन है हमारे पास 92, 83, 56 और 61 हमारे पास ये ऑप्शन है। अब इसके अंदर जैसे हम कितना ऐड करेंगे, हम प्लस 11, यहाँ कितना करेंगे हम 18, तो यहाँ कितना करेंगे हम। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंस कितना है, इसके अंदर डिफरेंस हमारा कितना है, 12 में से 3 जाते हैं हमारे पास कितना बचता है, 9 बचता है। और 12 में से इसमें कितना जाएगा, यहाँ क्यों कह रहे जाते हैं 12, 12 में से 3 गए 9 बचते हैं, और यहाँ भी 12 इसमें बचता है हमारे पास 39, तो कितना बचेगा हमारे पास। अब देखो इसके अंदर 11 का डिफरेंस इसके अंदर, और यहाँ हमारे पास कितना है 18 का इसके अंदर डिफरेंस है। तो हम कितना करते हैं इसके अंदर भाई, यहाँ कितना करेगा, अब 36 के 36 इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास 18 था तो 18 हम इसको ऐड कर देते हैं। तो 11, 11 का इसके अंदर, जैसे हमारे पास पहले 11 था, 11 के अंदर 7 करें ऐड और 18 के अंदर, और फिर हम इसके अंदर तो कितना हो जाएगा 18 और 7 25 इसके अंदर ये ऐड कर रहे हैं भाई। 11 थे हमारे पास, 7 के अंदर 11 ऐड करेंगे हमारे पास 18 आ जाएगी, 18 के अंदर हम 7 ऐड करें कितना आ जाएगा 25 ऐड आ जाएगा। तो इन संख्याओं के अंदर कितना आएगा 25, 25 इसके अंदर जोड़ते हैं हमारे पास कितना आएगा, 6, 5, 11 और 3, 2, 5, 1, 6 हमारे पास क्या है 61। 61 ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर 4 में, हमारा ऑप्शन नंबर 4 है 61। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा भाई, जैसे हमारे पास 11, 11 के अंदर 7 जोड़ेंगे आप, 18, 18 के अंदर 7 जोड़ेंगे हम 25, 25 के अंदर 36 अगर आगे संख्या निकालनी है तो इसको हम ऐड करते हैं 61 आता है। तो 61 ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 में है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ 7 करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहना और अंत तक ज़रूर देखना, इसमें से आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इससे आगे हम करते हैं 2, 6, 2, 6, 12 और 20 और 30 ऑप्शन रख लेते हैं इसके अंदर हम, ऑप्शन 2 और 3 और ऑप्शन 4 रख लेते हैं। ऑप्शन कितने हैं इसके अंदर, 48, 46, 42 और 40 ये हमारे ऑप्शन हैं। हमें कौन सी संख्या निकालनी है, लास्ट वाली संख्या हमें निकालनी है। हमारे पास संख्या है 2, 6, 12, 20 और 30। अब इसके अंदर ये कितना ऐड करता है, प्लस 4 ऐड करता है, यहाँ कितने प्लस करता है 6 ऐड करता है, यहाँ प्लस कितने करता है 8 ऐड करता है, यहाँ प्लस कितने करता है 10 करता है। तो यहाँ प्लस कितने होंगे, कितने होंगे यहाँ प्लस बताओ, अगर यहाँ कितने प्लस होंगे तो यहाँ प्लस होंगे 12, यहाँ कितने प्लस होंगे 12, तो 30 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास 42। तो 42 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा 42 है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, और आप सभी सीख जाएंगे तो आप सभी के हो जाएंगे, अगर नौकरी लेके जाओगे तो सभी के हो जाएंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे हमारे पास है 4, 10 और 28
और हमारे पास 82 और यहाँ हमारे संख्या निकालनी है। ऑप्शन ए इसके अंदर ऑप्शन एक दो है और ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन कितने हमारे 110 और 244 और 144 और 730, कितना है इसके अंदर 730। 8 क्वेश्चन नंबर 110, 244, 144 और 730 हमारे हो जाएंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो भाई कितना ऐड किया गया है इसके अंदर, भाई यहाँ देखते हैं हम इसके अंदर, यहाँ हमारे पास कितना प्लस करता है, ये 6 प्लस करता है, यहाँ कितना प्लस करता है, यहाँ प्लस करता है 18, कितने प्लस करता है 18, और फिर उसके बाद कितने प्लस करता है, यहाँ प्लस 82 में से 28 घटाएंगे हमारे पास कितना आएगा, प्लस करता है 54, कितना करता है 54, और जैसे अब इसका 6 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा और इसका भी 3 गुना हो जाएगा, इसका भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 6 तीय 18, 18 तीय 54 और 54 तीय कितना हो जाएगा, 54 तीय 4 तीय 12, 4 तीय 12 और 5 तीय 15 एक 16, इसको अंदर हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 244, तो 244 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दो में हमारे पास 244 है, क्योंकि इसके साथ हम 3 की मल्टी करेंगे तो 3 चौके 12 और 5 तीय 15 एक 16, अब इसके अंदर हम 82 जोड़ देते हैं, 4 14 और 244। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। भाई अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूँ। भाई हमारे पास पास संख्या थी 4 10 28 82 और आगे हमारे पास डैश था, तो इसको हम कैसे करेंगे, भाई हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं, हमारे पास यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 18 का डिफरेंस है और यहाँ 54 का डिफरेंस है, फिर देखते हैं भाई 6 की 3 गुणा होती है तो 6 तीय 18 हो जाएगा, 18 गुणा 3 54 हो जाएगा, और अब इसके अंदर इसका भी 3 गुणा हो जाएगा, अगर इसको 54 को हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 162 आती है, और 162 हम किसके अंदर ऐड कर देंगे, 82 के अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 244, 244 ऑप्शन नंबर दो के अंदर, हमारा ऑप्शन नंबर दो है जिसके अंदर 244 है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहना, भाई आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मिलेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 110, 132, 156 और यह हमारे पास डैश है, उसके बाद है 210। ऑप्शन हमारे हैं ऑप्शन एक दो और ऑप्शन तीन और ऑप्शन हमारे पास ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है हमारे पास 162, 172 और 182 और 192, ये ऑप्शन हो जाएंगे। अब देखते हैं हम इसके अंदर कितना है, 110 कितना डिफरेंस है इसके अंदर 22 और यहाँ हमारे पास कितना है 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 26, क्योंकि दो दो का डिफरेंस है हमारे पास, यहाँ दो दो का डिफरेंस हमारे पास चल रहा है, तो 110 22 22 122 110 और 22 132 132 और 24 156 156 इसके अंदर हम जोड़ते हैं, 6 6 12, 5 2 7 1 8 और 1 का 1 182, तो 182 किस ऑप्शन में है, 182 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो प्लीज़ दोस्तों 182 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इससे आगे अगर जाता है तो इससे आगे अगर जाएगा तो कितना प्लस होगा, 28 ऐड हो जाएगा, अगर 182 के अंदर 28 ऐड करेंगे हम तो हमारे पास संख्या 210 अपने आप आ जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, तो क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे और उसके बाद फिर हम बस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 2 5 9 19 और 37 और ये हमारी संख्या निकाल ली, ऑप्शन इसके अंदर रख लेते हैं हम, ऑप्शन रख लेंगे हम इसके अंदर, ऑप्शन कितने हैं इसके अंदर,
तिहत्तर, पिचहत्तर, छिहत्तर और अठहत्तर। अब इसके अंदर हम देखते हैं डिफरेंस कितना है, इसके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे कितना है भाई। सभी के अंदर यहाँ क्या करे है, दो डिफरेंस है, इसके अंदर तीन, यहाँ कितने का है चार, और यहाँ कितना है 10, और यहाँ कितना है 18। तो इससे मतलब प्लस करने से तो नहीं आएगा, तो प्लस इसको हम ऐसे प्लस नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे हम स्क्वायर कर देते हैं, 2 गुणा 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 1 हो जाएगा। फिर इसको करते हैं हम 5 गुणा 2 और -1 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाते थे 9 आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 9 गुणा 2 प्लस 1, 9 गुणा 2 प्लस 1, क्योंकि 9 दूनी 18। और अब इसमें क्या करेंगे हम, 9 गुणा 19 गुणा 2 और -1, 19 दूनी 38, 38 में से 1 घटाएंगे तो अब इसमें प्लस जाएगा, तो 37 गुणा 2 प्लस 1, 37 दूनी 74, 74 है कितना हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन में 75, हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो 75 फ्रेंड्स दोस्तों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, जैसे हमारे यहाँ क्या की गई थी, गुणा की गई थी, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और यहाँ 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा हमारे पास, 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ेंगे हम 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 में से 1 घटाएंगे 37, 37 दूनी 74, 74 1 75। यहाँ क्या करता है, एक बार प्लस करता है और एक बार क्या करता है, ये माइनस करता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो भाई वीडियो को एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, और हर रोज़ आपको एक रीजनिंग की वीडियो मिलेगी, जो आप सभी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों के अंदर ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास के अंदर या वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।